सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू यूटीकैट यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी से आप लोगों को रेगुलर बेसिस वीडियो मिल जाएगा गवर्नमेंट कोर्स और जॉब के बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट निकला है SSC का, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टी टास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल और साथ में हवलदार। तो टोटल वैकेंसी जो है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है। जो भी कैंडिडेट या जॉब सीकर है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है फ्रेंड्स। 11,409 टोटल अभी वैकेंसी मिल जाएगा ऑल इंडिया बेसिस। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट से है आप लोग तो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगा कि आपका यहाँ पे, तो जानते हैं आप लोग ज़्यादातर इसके जो नॉन टेक्निकल मल्टी टास्किंग स्टाफ है, जिससे जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो पे आपका रन वगैरह होता है, हाइट वगैरह लिया जाता है, तो सब कितना चाहिए और एग्ज़ाम आपको कितना में होगा, कितना कौन कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, तो सारा कुछ डिटेल A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को कृपया पूरा देखिए, अगर आधा देखेंगे तो आपका जानकारी भी आधा अधूरा मिल जाएगा और बाद में बहुत सारे कमेंट आप लोगों को करना होगा। इसलिए आपको कमेंट ना करना हो, इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखे, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सब्र रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें दो कैटेगरी है पोस्ट के लिए। एक तो है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ है, और दूसरा है हवलदार। तो जानते हैं हवलदार क्या है, तो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो स्टार्टिंग जो डेट है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, स्टार्टिंग डेट क्या है। तो स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी शुरू हो गया 18 जनवरी 2023 से लेके 17 फरवरी 2023, लगभग एक महीना आपको टाइम मिल रहा है ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो 17 तारीख तक कर सकते हैं। उस लेकिन आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होता है कितना, ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे 100 रुपया आपको जनरल OBC कैंडिडेट को देना है। SC ST PWD कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, आप लोग फ्री में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको देख सकते हैं जो आपका आदर्श डिटेल है, यानी कि आप जो कंप्यूटर पहले जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CV डिटेल जो होगा अप्रैल 2023 में होगा, ठीक है। तो उसके बारे में नेक्स्ट अपडेट दे देंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, गया होगा अभी तक। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे और डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं MTS के लिए खाली टोटल पोस्ट है कितना, 10,880 खाली MTS के लिए, ठीक है। और 529 है हवलदार पोस्ट के लिए, हवलदार इन CBI CN CBN में, जो हवलदार के लिए करना चाहते हैं उसके लिए पोस्ट है कितना, 5,529, और MTS के लिए कितना है, 10,880। टोटल मिला के हो गया कितना, 11,409 टोटल पोस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है, टोटल ओवरऑल दोनों मिला के, दोनों कैटेगरी मिला के। तो ये तो हो गया इतना इतना तक, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यहाँ पे पहले बात कर लेते, देख लेते जो भी है PDF में, उसके आधार पे आप लोगों को बोल दूंगा। तो अभी बात कर लेते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑफकोर्स आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब है कुछ आर्टिकल वगैरह है कुछ, ठीक है। उस रूल के हिसाब से आपका स्टेट या कंट्री का आप सिटीजन होने पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट देख लीजिए क्या है, एज लिमिट है मिनिमम आपका 18 से 25 साल एज होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, 18 से 25 साल। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो 1 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है जनरल कैंडिडेट, तो आप लोग MTS या फिर हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। और उसके साथ अगर आपके पास OBC या फिर दूसरा कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 3 साल आपको एज में छूट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं OBC के लिए 3 साल, यानी 25 साल हो गया, तो 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर SST है तो 25 साल जनरल हो गया, उसके साथ 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। PWD अनरिजर्व है 10 साल, PWD OBC वाले तो 13 साल का छूट मिल जाएगा, PWD SST है तो 15 साल के छूट मिल जाएगा आपको। और कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे छूट दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा छूट यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए और बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको लिए आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया फ्रेंड्स कि आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी कितना देना, 100 रुपीज़। SST और अदर जो कैंडिडेट है PWD वगैरह, उसको कोई भी फी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है, तो ठीक है। तो इसके लिए मैंने तो आप लोगों को बोल दिया पहले ही, और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में, सारा कुछ डिटेल्स पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन में ही कर सकते हैं। और कहाँ का एग्ज़ाम सेंटर है वो एक बार देख लीजिए, सभी स्टेट में, जितना भी स्टेट है इंडिया का, सभी स्टेट में आपको
स्टेट के छोटे मोटे जो शहर है उसमें आपका बहुत सारे सेंटर होता है, उस सेंटर में सी वी जी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको ऑनलाइन में होगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा एस एस सी रीजन है स्टेट, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सेंट्रल रीजन में जैसे कौन सा मतलब स्टेट आता है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको स्टेट सिलीगुड़ी में भी है, कलकत्ता, दुर्गापुर, कल्याणी, आसनसोल। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट है यहाँ पे, पोर्ट बिलार, हाँ सारा कुछ स्टेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिटीज देख सकते हैं। तो आपका जो भी नियरेस्ट आता है, आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो रेफरेंस देना होता है, 3-4 रेफरेंस वहाँ पे आपको देना होगा कि कहाँ कहाँ आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपका नियरेस्ट जो भी आता है फर्स्ट रेफरेंस दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा दूर जाए दूसरा दीजिए, ऐसा करके कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप कर दूँ तो मैं आपके लिए कर दूँगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आई डी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीडियर में। तो पहले आपका होता है एक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले तो पहले होता था कि बहुत साल पहले, पहले तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या रन वगैरह हाइट वगैरह लिया जाता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता। अभी चेंज होकर पहले क्या दिया गया है, आपका कंप्यूटर टेस्ट, अगर मैं आप लोग पास करते हैं कंप्यूटर टेस्ट में, उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका रन वगैरह होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है हाइट वगैरह का। ठीक है, तो ये सब होता है, यानी कि पहले तो हाइट ही होता है, हाइट वगैरह में पास हो जाते हैं तो रन के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ऐसे कुछ स्टेप है, उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ सही होता है तो आपका फाइनल लिस्ट में जो है नाम आ जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कितना में एग्ज़ाम होगा, देखिए दो सेशन है, पहले सेशन में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेशन में, उसके बाद रीजनल एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा, जो टोटल 120 मार्क्स, 45 मिनट टाइम, और कुछ 8 एक स्क्राइब है उसके लिए कुछ आपका है, उस कैंडिडेट कैटेगरी में पाते हैं तो 60 मिनट आपको टाइम, यानी 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो जिसमें आपका सेशन 1 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, सेशन 2 के लिए नेगेटिव मार्क है। ठीक है, सेशन 2 के लिए नेगेटिव मार्क है। तो यहाँ पे भी सेम है, 25-25-50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका मार्क्स रहेगा 150, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, टाइम वही रहेगा 45 मिनट्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं नेगेटिव मार्क्स का बारे में वगैरह जो भी है, सेशन 1 के लिए कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देयर विल नो नेगेटिव मार्क्स इन सेशन 1। ठीक है, सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग, मतलब हर एक रॉन्ग आंसर देने के लिए 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये सब में पास करते हैं रिटर्न वगैरह में, तो उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रन वगैरह होता है, जो कि वॉकिंग दिया हुआ है 1600 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 600 मीटर आपको जाना है मेल कैंडिडेट के लिए, कितना टाइम मिल रहा है 15 मिनट, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर ही आपको जाना है, टाइम मिल रहा है कितना 20 मिनट। यानी कि फीमेल कैंडिडेट जो भी है मेरे सब्सक्राइबर, तो सबसे रिक्वेस्ट है ये फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए, और अभी से आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिल जाएगा, उसको पढ़िए अच्छे से, तब आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि क्लास 10 स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये आपके लिए अच्छा जो कि अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट का, और वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है इसमें, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए जो भी जितना भी होता है मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा है, और जो प्रैक्टिस करते हैं रन वगैरह के लिए जो भी मेल कैंडिडेट फैमिली, उसके लिए तो और भी आसान होगा, खाली आपको क्या है रिटर्न में आपको पास करना है। तो ये होने के बाद आपका हाइट देखिए कितना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, 5 फीट 2 इंच मात्र हाइट चाहिए आपको, मिनिमम 5 फीट 2 इंच। अगर आप लोग जैसे गोरखा, आसामीस, ये इसमें से है तो 2 इंच और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और फीमेल के लिए हाइट कितना चाहिए 5 फीट, गोरखा वगैरह ये सब में अगर आता है तो आप लोगों को 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आपको, मतलब 1 इंची और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फीमेल के लिए। और मेल कैंडिडेट के चेस्ट कितना चाहिए 32 इंच, मतलब 81 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच, और एक्सपेंड करके और भी 2 इंच आपको होना चाहिए चेस्ट। और फीमेल कैंडिडेट के हाइट के साथ यहाँ पे वेट आपको होना चाहिए 48 kg मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसके, अगर 46 किलो होता है आपका वेट, तो अगर आप गोरखा ये सब में आते हैं कैटेगरी में, तो आपको 2 kg और डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम यहाँ से जो है दे सकते हैं ऐसे करके बहुत ही आसानी से। चलिए, तो मोटा मोटी जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था और भी जो इम्पोर्टेंट मतलब कुछ था, यह इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ऑनलाइन में फॉर्म करने के लिए, ऑनलाइन में जो फॉर्म फिलअप करने के, उसके लिए आपको सीधा जाना ऑफिशियल वेबसाइट में, चले बैठते ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आई होप इतना जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करने के लिए और अदर्स जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अभी सीधा बढ़ते हैं ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कैसे करना है, वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों का आसान हो फॉर्म फिलअप करते
मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए फॉर्म फिलअप कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो स्टूडेंट आप लोग जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे SSC का, तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करने के भी आ सकते हैं, फिर आप कोई भी ब्राउज़र में जाके सर्च करके भी आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 18 जनवरी का एक नोटिफिकेशन है, नोटिस ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पे जो मेंशन है, इसमें क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से और अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है मुझसे छूट गया होगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा इसको पढ़ने के बाद। और अप्लाई करने के लिए ऐप आपको रजिस्टर करना है पहले, अगर रजिस्टर कर लिए ऑलरेडी तो आप लोग यहाँ पे आपका लॉगिन जो ID है वो यूज़र नेम जो भी है यूज़र नेम क्रिएट किए थे जब रजिस्टर किए थे, यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा जो यहाँ पे आपको आ जाएगा कैप्चा, वो कैप्चा पे एंटर करके लॉगिन में क्लिक करना है। और अगर पहली बार है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ अलग से डेडिकेटेड वीडियो कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करेंगे मैं उसके आधार पर जो एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा आप सभी के लिए, ताकि आसानी हो आपको फॉर्म फिलअप करते समय। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप करते, वही आपका जो है पासपोर्ट फोटो सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, आपका क्लास 10 का जो भी मार्कशीट वगैरह है वो सब चाहिए होगा, वो रेडी रखिएगा, ठीक है। तो अलग से कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलअप के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही था, आगे के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए बने रहे, लेटेस्ट अपडेट आपको हर रोज़ मिल जाएगा अभी से, तो कंटिन्यू मैं करूंगा वीडियो आप सभी के लिए। तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल टिकट, मिलता है अगले वीडियो में, जय फ्रेंड्स।